नमस्कार आज हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं सचिन पायलट कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी राजस्थान के पूर्व डेप्टी चीफ मिनिस्टर लेकिन सचिन uh, इलेक्शन के बिल्कुल बीच में आज बातचीत हो रही है वी वी कैन से हैव द मार्क थर्ड फेज हो हो गया है 280 सीट्स गई हैं तो कैसा लग रहा है चुनाव का कहा दिशा जा रही है देखिये जो इंडिकेशन मुझे मिले हैं जो फीडबैक मैंने प्राप्त किया है और मुझे काफी मौका मिला पूरे देश में घूमने का ये चुनाव एक बदलाव का चुनाव है लोग बोल नहीं रहे हैं लेकिन दबी जुमा इस बात को लेकर एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो बढ़त बीजेपी ने पहले बनाई थी वो उसके आसपास भी नहीं रहेगा और मैंने कई बार कहा कि साउथ से साफ और नॉर्थ से हाफ ये बात का हाल होने वाला है बिकॉज दस साल बहुत लंबा समय होता है और उत्तर भारत में जहाँ पे द्विपक्षीय मुकाबला होता है भाजपा कांग्रेस का उन काफ़ी सारी स्टेट्स के अंदर हम लोग अच्छा नहीं कर पाए थे लेकिन इस बार हमारे उम्मीदवार हमारा कैंपेन हमारा मैनिफेस्टो लोग उसको पसंद कर रहे हैं और मुझे लगता है कि हम लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे ये हिंदी पट्टी जो है जो उत्तर भारत का इलाका है पर अभी जहाँ पे चुनाव जो हो रहे हैं जहाँ पे बीजेपी को बढ़ा थोड़ी साउथ में जैसे हो गया लेकिन नॉर्थ में जहाँ बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है अब वहां पे ज्यादा चुनाव होंगे चाहे यूपी देखा जाए चाहे तो जहाँ पर भाजपा के सौ में से सौ प्रतिशत सीटें आ गई है वहाँ तो स्कोप तो है नहीं बढ़ने का और उनकी रिपोर्ट कार्ड उनकी एंटी एंटीनकेंसी उनकी परफॉर्मेंस को लोग जज कर ही रहे हैं और दो का जो चुनाव था वो एक अलग वातावरण में चुनाव हुआ था जैसे राजस्थान है हमारा बॉर्डर स्टेट है उस टाइम अलग भावना एक देश में हो गई थी तो आज माहौल बिल्कुल दूसरा है इसलिए राजस्थान है हरियाणा छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश इन सब राज्यों के अंदर कांग्रेस बीजेपी का मुकाबला है है और हम काफी अच्छा परफॉर्म करेंगे ऐसा मेरा फीडबैक राजस्थान में क्या में क्या मेन मुद्दे थे नई सरकार बनी है चार महीने पहले और वो बहुत ज्यादा कोई अपनी छाप छोड़ नहीं पाए हैं और तनाव है आपस में खिंचाव बहुत ज्यादा है क्योंकि नए मुख्यमंत्री को बना दिया और बाकी नेता थोड़े रुष्ट लगते हैं मुझे तो उसका नुकसान भाजपा को हो सकता है बाकी हमारे लगभग हर सीट में कांटे का मुकाबला है और विधानसभा चुनाव हम हार गए एक दो परसेंट वोट शेयर हमारा कम था लेकिन लोकसभा में मुझे लगता है कि लोग हमको इस बार मौका देंगे लोकसभा में क्या बिगेस्ट इशू आपको लगता है नॉट जस्ट राजस्थान बट ऑल ओवर क्या सबसे बड़ा देश में है? जो इशू है सबसे बड़ा बेरोजगारी का है और चौदह में जब भाजपा सरकार बनाई थी तो उन्होंने महंगाई बेरोजगारी कालाधन और भ्रष्टाचार ये चार मुद्दे लेके बात की थी चारों मुद्दों को उन्होंने छोड़ दिया है अब बात कर रहे हैं आपकी भैंस चोरी हो जाएगी कांग्रेस ले जाएगी आपका मंगल सूत्र छीन लेंगे आपका आरक्षण धर्म के आधार पर कर देंगे ये सारी बेबुनियाद बातें हैं इनमें कोई दम नहीं है हमारा मैनिफेस्टो बड़ा स्पष्ट है हमने किसान नौजवान उद्योग निवेश शिक्षा चिकित्सा इनकी बातें करी हैं एम एस पी पे कानून बनाने की बात की है तो उस पर तो लोग उसको पसंद कर रहे हैं लेकिन हमारे मैनिफेस्टो को टारगेट किया है जानबूझ के बीजेपी ने उसका लाभ हमको मिल रहा है और बड़ा चर्चित हो गया हमारा मैनिफेस्टो अब उसको अब लोग चाव से पढ़ भी रहे हैं पढ़ेंगे तो पसंद कर रहे हैं तो उस काम को बेनिफिट मिल रहा है जितना हम पे आरोप लगा रहे हैं मैनिफेस्टो लिखने क्योंकि मैनिफेस्टो एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है उसमें आप काल्पनिक अपने ख्याल नहीं डाल सकते हैं और बीजेपी ने अभी को पाँच साल में क्या करेंगे किसी आप किसी से पूछो मतदाता से कि भाजपा अगले पाँच साल में क्या करेगी कोई जवाब किसी के पास नहीं क्योंकि चर्चा में नहीं है उनको पता है जब चुनाव होगा आप मुसलमान हिंदू मंदिर मस्जिद मंगलसूत्र की बातें कर लो हम बात करें वो जब म की बात है तो मुसलमान मंदिर मस्जिद मंगल हम लोग बात करते हैं म से मनरेगा की म से एम की म से महिला सशक्तिकरण की तो हम एक पॉजिटिव नैरटिव ले जाना चाहते हैं देश दूसरा अभी मोदी के स्टाइल में बात कर रहे हो वो भी गिनते रहते हैं ये ये अल्फाबेट सूप है म भाई ये सारे शब्द उन्होंने बोले हैं हमने तो नहीं कहा उनको बोलने को वो बोल रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ध्यान डाइवर्ट करो जज्बाती मुद्दों की बात करो तुष्टिकरण विभाजन इस तरह की बातें करो हम लोग सबको साहते गए कांग्रेस पार्टी सब धर्म जाति प्रांत भाषा वेशभूषा सबको सम्मिलित करके पार्टी चली एक 140 साल से तो किसी के आरोप लगाने से इतिहास मिटने वाला नहीं है और मैं मानता तो हूँ चालीस साल में इमरजेंसी भी तो आई थी उसके बारे में भी, भी हाँ, प्राइम मिनिस्टर बात कर रहे हैं सुनिए इमरजेंसी आई थी उसको हटाया गया जनता ने उस समय कांग्रेस को विपक्ष में हटने का आदेश दिया हम बैठे उसके बाद अस्सी में क्या हुआ

भजन करने हैं किसका व्रत रखना है ये हमारी ये आस्था का प्रश्न है ना ये तो व्यक्ति का निर्णय होता है इंसान का उसके आधार पे मैं वोट मांगूँ या वोट डलवाने की बात करूं वो कहाँ तक सही है आप चुनाव लड़े ना गवर्नेंस परफॉर्मेंस मुद्दे इश्यूज देश विदेश नीति आर्थिक नीति पचास तरह की बातें होती हैं जो जनता सुनना चाहती है आप बात वो कर रहे हैं कि साहब ये मंदिर बना नहीं बना क्यों बना मस्जिद क्यों बना किसने बनाया आप हिंदू हैं हम मुसलमान हैं ये देश सबका है और ये देश इतना खूबसूरत इसलिए है क्योंकि सब लोग बराबर के हिस्सेदार हैं किसी को कम ज़्यादा नहीं आ सकते हैं और ये धन्यवाद दूंगा मैं अम्बेडकर साहब का संविधान बना है बराबर का नागरिक बनाया है उसने खरपति इंसान को और जो रेडी चला रिक्शा चलाता है उसको भी एक वोट का मालिक है वो तो ये वोट का अधिकार देना उसको हमको पूजना चाहिए उस संविधान को अब उनके वहाँ से आवाजें निकलती हैं कि हो सकता है इसमें संशोधन ही कर दें उनको खंडन करना पड़ रहा है और मैं कहता हूँ खंडन करने की नौबती क्यों पड़ रही है क्योंकि आप लोग सबको बता रहे हैं कि हम बोल, बोल रहे अरे भाई हम कौन है बोलने, बोलने वाले सत्ताधारी बोल दल के ही लोग इस प्रकार के स्टेटमेंट बार बार दे रहे हैं इसीलिए भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को उसका खंडन करना पड़ रहा है आरक्षण को नहीं छेड़ेंगे संविधान को नहीं छेड़ेंगे अब राजीव गांधी जी के पास चार सांसद थे कभी सुना आपने उनको खंडन करते हुए या बोलते हुए कि हम आरक्षण को नहीं छेड़ेंगे कभी सुना आपने यहाँ तक वाजपेयी जी ने बोला हो या मनमोहन सिंह जी ने बोला हो कि वी विल नॉट ट्रस्ट कॉन्स्टिट्यूशन और चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन तो क्यों बोलना पड़ रहा है हम कह रहे हैं ऐसा नहीं है आवाज़ें वहीं से निकली थी उनके उनके यहाँ से कई बड़े बड़े लोगों ने इस बात को चर्चा में लेकर आए थे ख़ैर ये इलेक्शन मैं तो मानता हूँ आधा निकल गया लेकिन ये पॉजिटिव होना चाहिए ये आरोप प्रत्यारोप प्रतिशोध बदले की भावना दबाव की राजनीति एजेंसी का दुरुपयोग विपक्ष को ख़त्म कर देना कांग्रेस बैंक के खाते सीज कर देना मुख्यमंत्री को जेल में डाल देना ये मुझे लगता नहीं कि सही तरीका है

भाजपा बाज जीती है सारे सांसदों की सीटें इस बार मुझे लगता है कि अधिकांश जो सीटें हैं हमारा गठबंधन हाँ है वहाँ जीतेगा इस बार क्योंकि काफी लोग कहते हैं कि ऑन ग्राउंड हमको हम कांग्रेस वाले हम, हम, हमारी टक्कर तो आम आदमी पार्टी से है उधर हमारी टक्कर समाजवादी पार्टी से है तो ऑन ग्राउंड ये इंडिया अलायंस आपको लगता है सब, सब राजनीति में कॉम्पिटिशन होता है हर पार्टी अपना स्कोप बढ़ाना चाहती है उसका ग्राउंड वर्क लेकिन कभी कभी देश में ऐसे मौके आते हैं कि हम लोगों को सोचना पड़ता है कि मुल्क की क्या जरूरत क्या है देश के लिए क्या जरूरत है हम विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं आपस में हमारी असहमति हो सकती है वैचारिक मतभेद हो सकते हैं लेकिन जो देश के सामने आज बड़ा इशू है कि अगले पाँच साल तक वही सरकार रहनी चाहिए जो इस प्रकार का रवैया अपनाए हुए है डेढ़ डेढ़ सौ सांसदों को सस्पेंड कर रहे हैं आप विपक्ष को मुक्त करना चाहते हैं तो उस संदर्भ में इंडिया अलायंस का गठन हुआ दो दर्जन पार्टी इकट्ठी आई हैं और हमने अपने इंडिविजुअल इशूज़ को साइड में रखकर कॉम्प्रोमाइज़ किया गिव एंड टेक किया है और एक

कि दबाव हुआ हो उत्तर से और दक्षिण से कि आप यहाँ चुनाव लड़ना चाहिए और अलायंस की रिक्वायरमेंट है अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं यूपी से हुँ. वो विधायक हैं लेकिन एमपी का चुनाव लड़ रहे हैं क्योंकि वहाँ उस स्टेट में उनके लड़ने से गठबंधन को उनके दल को फायदा मिल रहा है राहुल जी के लड़ने से भी हमारी पार्टी को गठबंधन को फायदा मिलेगा ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में लेकिन समुच्च उत्तर भारत में तो ये निर्णय पार्टी ने लिया है उसकी पालना राहुल गांधी जी कर रहे उन्होंने अमेठी से क्यों नहीं लड़ा क्योंकि वो उनकी पुरानी सीट ये हमारी पार्टी का निर्णय है ट पार्टी, देना है। से थी पार्टी लो ने निर्णय लिया।, लिया पार्टी ने निर्णय लिया रायबेली से लड़ेंगे और अमेठी से हमारे पुराने और सबसे वरिष्ठ कार्यकर्ता वहाँ के उनको टिकट दिया है और किशोर लाल जी शर्मा जो वहाँ से उम्मीदवार है हमारी पार्टी के बड़े मजबूत उम्मीदवार हैं सशक्त हैं वो हाई प्रोफाइल शायद ना हो लेकिन जमीनी पकड़ बहुत तगड़ी है उनकी सब व्यक्तिगत संवाद और संपर्क लोगों से चार दशकों का और वो मैं आपको कह सकता हूँ कि अमेठी में भी हम भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे

संसदीय प्रणाली है सबसे बड़े दल को न्यौता मिलता है सरकार बनाने का उसके बाद विधायक सांसद बैठ के निर्णय करते हैं क्या बनाना है हमारे यहाँ दो दर्जन पार्टी दिग्गज नेता है जिसको क्या करना नहीं करना आपस में बैठ के एक दिन में डिसाइड कर लेंगे आज मुद्दा है कि हम चुनाव लड़के जीते कैसे अगर हम जीत जाए दो, दो सौ का आंकड़ा हमारे पास आ जाए चार जून को उसके बाद निर्णय लेंगे लेकिन पद के लिए कोई लड़ाई झगड़ा है या कोई ललाहित है या कोई आपस में कंपटीशन कौ, ऐसा नहीं है हम चुनाव लड़ रहे हैं मुद्दों के आधार पर विपक्षी एक और हमारे जो है लेकिन उसको भी लोग देख के मूल्यांकन कर रहे हैं सचिन पायलट थैंक यू सो मच फॉर कन्वर्सेशन और आप काफी कैंपेन कर रहे हैं मैंने देखा है पूरे अभी अगला स्टेट कहाँ जाएंगे आप अभी बाहरी तो तीन चरण और बचे हैं चार चरण सो so, जहाँ जहाँ है जहाँ पार्टी मुझे भेजती है वहाँ मैं पार्टी के लिए कैंपेन करता हूँ और मुझे खुशी होती है कि मैं पार्टी की कैंपेन में पार्टी की जीत में और उनके एफर्ट्स में एक भूमिका निभा पा रहा हूँ तो ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है ऑन नोट थैंक यू सो मच इंडिया न्यूज़ से आपने बातचीत की थैंक यू